Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And after discussing Jainism, this time I am going to discuss Buddhism and its educational implications. Okay, so the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all the students for their upcoming examinations. Okay, so first of all, अगर हम प्रस्तावित करें बौद्ध दर्शन को तो क्या होगा कि बुद्धिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन थॉट. कहा जा सकता है कि भारतीय विचारधारा का ये सबसे ज़्यादा सबसे प्रमुख डेवलपमेंट में से एक है बौद्ध दर्शन. इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ लेटर वैदिक थॉट. वैदिक पीरियड जब आया था तो फिर लेटर वैदिक पीरियड भी आया था, मतलब उत्तरोत्तर वैदिक काल, तो उसी का ये ऑफशूट माना जा सकता है, मतलब उसी से निकली हुई एक शाखा है. बुद्धिज्म इज फाउंडेड ऑन द रिजेक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स. हम लोग जब जैनिज्म की बात कर रहे थे, जैन दर्शन की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था, वहाँ पे जाना था कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में बाद में जो कुरीतियाँ आ गई थी उन्हीं के रिजेक्शन में ये जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का उद्भव हुआ है. इट हैज़ मैनी फिलोसॉफिकल व्यूज विद हिंदुइज्म. लेकिन ये हिंदुइज्म के भी बहुत सारे व्यूज को मानता है, सच एज द बिलीफ इन कर्म में विश्वास रखना कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपके साथ होगा. अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब हम ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, इसका ये प्रभाव है, इसका ये कारण है. एंड द अल्टीमेट गोल फॉर बोथ इज टू इलिमिनेट कर्म एंड दिस एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग एंड अटेन फ्रीडम. और दोनों ही हिंदुइज्म और जैन बुद्धिज्म में ये समानता आप कह सकते हैं कि दोनों का गोल यही है कि हमको कर्मों का सारे कर्म मतलब जो है उनका विनाश कर देना है और अपने ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है. क्यों? क्योंकि जन्म मतलब जब जब हम को जन्म मिलता है और हम को ये जन्म मतलब मनुष्य देह धारण करते हैं तो वो कष्ट का ही कारण है. यही बात दोनों कह रहे हैं. और हमको फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए. मुक्ति मतलब मुक्ति का मतलब यहाँ मोक्ष से है कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए. ये बातें दोनों ही कर रहे हैं. बट ये कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसॉफिकल कंसेप्ट का विरोध करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, गॉड को कोई ऐसी सत्ता नहीं मानता है, इसलिए ये हेटरोडॉक्स फिलोसॉफी के अंतर्गत आता है जैनिज्म के साथ. ठीक है, इसकी भी हमको एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और रियलिटी देखनी है. और इसके रियलिटी कह रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड इथिक्स, मोरालिटी, मतलब ये कौन से नियम कानून मूल्यों को प्रधानता देता है और फिर इसके बाद शिक्षा में इसका क्या योगदान है. तो अगर हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी देखें तो बुद्ध सीक्स अ मिडिल वे बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ डॉगमेटिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, एम्फसाइजिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, अ प्रैग्मेटिक एटीट्यूड एंड द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टुवर्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज. देखिए, अब ये सब कहानी आप जानते हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे कि गौतम बुद्ध को रास्ते में कैसे लोग मिले, फिर उन्होंने क्या सोचा, फिर उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर शुरुआती दिनों में ये मतलब बहुत इन्होंने अन्न जल का एकदम त्याग कर दिया था और एकदम दिन भर के बीच में अन्न का एक दाना ग्रहण करते थे, तो इनको लगा कि अब मतलब जीवन संभव नहीं है, अब ये बच नहीं पाएंगे. तो फिर ये धीरे धीरे इन्होंने मतलब एक्सट्रीम में चले गए थे ना, तब इन्होंने मध्यम मार्ग का कंसेप्ट दिया कि नहीं, हमको बिल्कुल ना बहुत ज्यादा इंडल्ज होना है सांसारिक गतिविधियों में और ना ही हमको एकदम उससे विरक्त होना है, बल्कि उसमें रहते हुए ही मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए ही हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है. तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ डॉगमेटिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, मतलब जो अंधानुकरण करते हैं हम लोग, कुछ भी कुरीतियां मान लेते हैं, उसके एकदम एक्सट्रीम में नहीं पढ़ना है, बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस को एम्फसाइज करना है. प्रैग्मेटिक एटीट्यूड, यानी कि जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए पर्पसफुल है, जो आपके लिए काम कर रहा है. और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कोई भी बात कही जाए उसको मत मानिए, मतलब हर बात मना मत करिए, लेकिन उसको क्रिटिकली सोच के आपके लिए सही है तो मानिए. फिर इथिक्स में क्या कहते हैं कि बुद्ध की प्रपोजेज ए थ्री फोल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन, मेंटल, वर्बल एंड बॉडीली. ये कह रहे हैं कि तीन स्तरों पर हमको काम करना है, मानसिक, भाषिक और शारीरिक. फॉर बुद्धिस्ट थिंकर्स फिलोसफी शुड एड वन इन इलिमिनेटिंग सफरिंग एंड ऑप्टेनिंग हैप्पीनेस. देखिए, वो कहानी आप जानते ही है कि चूंकि इनको वृद्ध इंसान मिला और इनको मृत शरीर दिखा इनको, तो इनको लगा बहुत दुखी हो गए ये, इनको लगा कि जीवन जो है सिर्फ दुख का कारण है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है, कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, इसीलिए ज्ञान की खोज में अपना पूरा राजपाट छोड़कर चले गए थे. तो इन्होंने कहा जो बौद्ध दर्शन है वो यही मानती है, ये फिलोसफी का एम यही है कि हम दुखों का नाश कर सकें और हमको खुशी मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके. अब खुशी का मतलब यहाँ मेटीरियल हैप्पीनेस से नहीं है, खुशी का यहाँ ब्रॉड मतलब है कि आप इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाइए. दे मेंटेन दैट टू अचीव दोज एंड्स वन मस्ट इलिमिनेट इग्नोरेंस, अ फंडामेंटल मेंटल फ्लॉ दैट इज सफरिंग्स बेसिक कॉज. ये कह रहे हैं कि और कैसे आपको ऑप्टेन हैप्पीनेस होगी, मतलब आपको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, अल्टीमेट गोल आपको कैसे मिलेगा, जितना भी अविद्या का स्रोत है आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि वही विद्या जो एक बेसिक कॉज है
जो हमको हमारे अल्टीमेट गोल तक जाने से रोकती है। अब यहाँ देखिए, ये बहुत बहुत मतलब ये जो फिलोसफी होती है सिर्फ पढ़ के निकलने वाली नहीं होती, इसको समझना पड़ता है। अब यहाँ इग्नोरेंस का क्या मतलब है? इग्नोरेंस का मतलब है ये जो आप सांसारिक बंधनों में बहुत ज़्यादा आसक्ति है, जो मोह माया है, जो डिज़ायर है, जो अवांछनीय इच्छाएँ हैं, इनसे मतलब है। तो आप इसका मतलब बीनीथ अंडरलाइन मीनिंग भी समझिए। ऑल्दो वेरियसली कंस्ट्रूड इग्नोरेंस इन इविटेबली इन्वॉल्व द मिस्टेकन बिलीफ दैट ए फिक्स्ड अनचेंजिंग पर्सनल सेंस और आत्मा लाइज एट द कोर ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिटी। देखिए इनकी एक खास बात और है बौद्ध दर्शन की, ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। तभी तो प्रैग्मेटिक एटीट्यूड की बात हो रही है ना। देखिए सारी चीज़ें जुड़ी रहती है अपने से। प्रैग्मेटिक एटीट्यूड भी तो यही कहता है कि एम रोज़ बदल जाएगा, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, प्री डिटरमाइंड एम की बात नहीं करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हम इसी अविद्या के तहत ये बिलीफ, मिस्टेकन बिलीफ मतलब भूल से ये मान लेते हैं कि कुछ है जो अनचेंजिंग है, जो हमेशा रहता है, ऐसा करके। हैंस टू इलिमिनेट इग्नोरेंस वन मस्ट इरिडिकेट दैट बिलीफ। वो कह रहे हैं कि इसलिए अविद्या का विनाश करते हुए आपको इस विश्वास से बाहर निकलना होगा कि जो कुछ अनचेंजिंग है। इनके हिसाब से हर चीज़ चेंजिंग है। एंड टू डू सो बुद्धिस्ट फिलोसोफर स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सीइंग थिंग्स एज दे आर, अ करेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट थ्रू विच वन नोज दैट पर्सन नेसेसरीली लैक्स एसेंस। कह रहे हैं कि इसलिए आप इस तरह से चीज़ों को देखिए जैसा कि वो हैं, उस दशा में उनको देखिए, और वो हमेशा वैसे ही नहीं रहेंगी, उनमें हमेशा शाश्वतता नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो बुद्धिस्ट इपिस्टेमोलॉजी इज कॉल्ड प्रमाणवाद एंड हेतु विद्या, यानी कि दो तरीके की इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी में मतलब ज्ञान की बात की है कि एक तो प्रमाण, प्रमाण मतलब जो आप प्रूफ कर सकें ना, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रूफ, एंड हेतु, हेतु का मतलब क्या है, मतलब कारण, मतलब लॉजिक, साइंस ऑफ कॉजेस, है ना। दो तरीके की ये एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। प्रमाणवाद इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज एंड हेतु विद्या इज ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। प्रमाणवाद क्या है, मतलब कि ज्ञान की प्रकृति की का अध्ययन है, जबकि हेतु विद्या क्या है, ये लॉजिक का अध्ययन है कि लॉजिक, हेतु बताइए आप, इसका कारण बताइए, तो इसका मतलब क्या आया, लॉजिक आ गया। ओके, और इनकी मेटाफिजिक्स क्या है, तो मेटाफिजिक्स में तो ये विश्वास ही नहीं करते हैं, मतलब इनके हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी और इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, जो है वो है, सामने है, और अनचेंजेबल नहीं है बल्कि चेंजेबल है। तो बुद्धिज्म इज नॉट अबाउट मेटाफिजिक्स, इसलिए इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी की कोई बात नहीं की है। बुद्ध वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प पीपल बी फ्री फ्रॉम सफरिंग। बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रायोगिक थे, और उन्होंने कहा था वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो व्यक्ति है उसको उसके दुखों से, दुखों का उसके अंत हो जाए, उससे वो फ्री हो जाए। हेंस ही वुड नॉट हैव बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, इसीलिए इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी या इस तरीके की बातों में अपनी रुचि नहीं दिखाई। द बुद्ध टीचर्स दैट वॉट वी कॉल सोल, सेल्फ, ईगो, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा मियरली conventional terms that do not refer to any real independent entity। वो कह रहे हैं जिसको आप self कहिए, ego कहिए, personality कहिए, soul कहिए, कुछ भी कहिए, ये सिर्फ ये किसी भी independent entity की ओर इशारा नहीं करते हैं। For Buddhism there is no reason to believe that there is an eternal soul that comes from heaven or that is created by itself and that will transmigrate or proceed straight away either to heaven or hell after death। वो कह रहे हैं ऐसा कोई आप ये विश्वास मत करिए, मतलब ये बौद्ध दर्शन कह रहा है, हम किसी के दर्शन की वो मतलब जो इसने कहा वैसा बता दे रहे हैं आपको कि इन्होंने किसको महत्ता दी, किसको सही माना, और जिन लोगों ने इसको सही मानने को सही माना वो इसके अनुयायी हो गए, है ना। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि कोई भी ऐसी इटर्नल सोल नहीं है, आप ऐसा विश्वास मत करिए जो कि स्वर्ग से आई है या जिसको ईश्वर ने बनाया है या जो मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग या नरक मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेटाफिजिक्स की अल्टीमेट रियलिटी की ये बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बात करते हैं कि जो जीवन आपको मिला है वो दुखों से मुक्त हो। बुद्धिज्म कैन नॉट एक्सेप्ट दैट देयर एनीथिंग आइदर इन दिस वर्ल्ड और एनी अदर वर्ल्ड दैट इज इटर्नल और अनचेंजेबल। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस दुनिया से परे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि जो परिवर्तनीय ना हो और इनके शाश्वत हो, इसीलिए ये मान के चलते हैं कि हर चीज़ जो है वो बदल सकती है, बदलती है। ओके, और वैल्यूज़ किन को, किन मूल्यों को प्रधानता दी गई है बौद्ध दर्शन में, तो ये कहते हैं चार तो नोबल ट्रूथ हैं, सत्य हैं आपके, कौन से, ये तो सबको पता है। कौन सा पहला, इन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ इनएविटेबली इन्वॉल्व सफरिंग्स, कि मनुष्य को दुख तो मिलना ही मिलना है, ठीक। फिर सफरिंग अराइजेस फ्रॉम अवर डिजायर्स, और सफरिंग वो दुख उत्पन्न कहाँ से होता है, क्योंकि हम कुछ इच्छाएँ करते हैं और वो इच्छाएँ जो शायद कभी कभी सही नहीं भी होती हैं। और निरोध, देयर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इन विच देयर इज नो सफरिंग, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है जब आपको कोई दुख ना हो, एंड देयर इज अ वे टू अचीव दिस बीइंग, और इसको, इस स्थिति को प्राप्त करने का मार्ग भी है,
मतलब हम लोग छोटे थे जब शुरुआत में हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो बताया जाता है ना संसार में दुख है, इस दुख का कारण है, इस दुख से ये दुख हटाया भी जा सकता है और इस दुख को हटाने का एक मार्ग है, सरल भाषा में कहें तो ये इनके तो चार सत्य हो गए। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, पर ये जो एट प्रिंसिपल्स टू निर्वाण है या जो अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, जिसको मध्यम मार्ग इन्होंने कहा, और कहा कि आप अगर इस इन 8 मार्गों पर चलें तो आपको निर्वाण की मतलब कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कौन कौन से हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपकी सम्यक दृष्टि हो, यानी कि चीज़ों को आप सही तरीके से देख समझ सकें। राइट इंटेंशन यानी कि आप सही संकल्प करें, सही आप इंटेंशन से काम करें। राइट स्पीच यानी कि आप सही बात बोलें, गलत भाषा ना बोलें, गलत वाणी का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें, गप ना करें। राइट एक्शन सही काम कीजिए। राइट लाइवलीहुड सही तरीके से अपनी आजीविका चलाइए। राइट एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रैक्टिस होता है ना, सम्यक व्यायाम करिए, सम्यक प्रयास कीजिए। राइट सेल्फ पोजिशन आपकी सम्यक स्मृति होनी चाहिए। एंड लास्ट में राइट मेडिटेशन या सम्यक समाधि, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से, जैसे आप जो भाषा आप यूज करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। और कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि कौन से 8 प्रिंसिपल हैं, या कोई 4 दे देंगे कहेंगे कौन से इसमें नहीं है, तो एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए कि नहीं यही 8 हैं, कोई इसमें आपको क्या गेस वर्क नहीं चलेगा। फिर वैल्यूज, इन्होंने कहा कि 3 तरीके की फायर्स हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी को जला देती हैं। कौन कौन सी? डिजायर या थर्स्ट, यानी इच्छाएं या प्यास, कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एंगर, क्रोध एंड डिल्यूजन। ये कह रहे हैं कि दी हाउस ही स्पीक्स ऑफ एयर इज द ह्यूमन बॉडी, और किस घर को जलाने की बात कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर ही अगर घर हो तो ये 3 उसको जला देंगे। दीज 3 और ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड फायर्स बिकॉज अनटेम्ड दे कैन रेज थ्रू अस एंड हर्ट अस एंड अदर पीपल टू। कह रहे हैं कि अगर हमने अपने शरीर को इस तरह से नहीं मतलब टेम किया, बनाया, उसको ट्रेंड किया कि हम अपनी डिजायर्स पे, थर्स्ट पे, एंगर पे काबू पा सकें, तो ये हमको जला देगा और दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। फिर इनके कुछ पंचशील भी हैं जिसको 5 प्रिसेप्ट्स कहा जाता है, इनके गुण जो कहते हैं रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ, किसी और का जीवन मत लीजिए। रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, जो आपको नहीं दिया जा रहा है वो मत लीजिए, मतलब कुछ चुराइए नहीं। रिफ्रेन फ्रॉम द मिस यूज ऑफ द सेंसेस, अपनी ज्ञान इंद्रियों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग स्पीच, गलत बोलने से बचिए। एंड रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कोई भी नशीला या इंटॉक्स इस तरीके का पदार्थ का सेवन मत कीजिए। ये भी इनके गुण और मूल्य हैं। और भी ये कह रहे हैं कि 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, इनके हिसाब से 3 जो है वो सार्वत्रिक सत्य हैं। कौन कौन से? एवरीथिंग इन लाइफ इज इम्परमानेंट एंड ऑलवेज चेंजिंग, हर चीज़ जो दुनिया में है, जीवन में है, वो हमेशा बदलती रहती है। नथिंग इज परमानेंट, लाइफ बेस्ड ऑन पजेसिंग थिंग्स और पर्सन्स डज नॉट मेक यू हैप्पी, क्योंकि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, इसलिए लोगों को या चीज़ों को समेटने से, बटोरने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, बिकॉज वो एक दिन, एक ना एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे। देर इज़ नो इटर्नल अनचेंजिंग सोल एंड सेल्फ इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। वो कह रहे हैं कुछ भी शाश्वत या अपरिवर्तनीय सोल नहीं होता है, बल्कि जो आपका सेल्फ है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुछ बदलते हुए गुणों का कलेक्शन है। एंड वर्च्यूज में क्या कह रहे हैं? गुण, किस किस गुणों की बात बौद्ध दर्शन ने की है? कि बुद्ध टीचिंग्स आर नोन एज धर्म, ही टॉट दैट विजडम, काइंडनेस, पेशेंस, जनरोसिटी एंड कंपैशन वर इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज, यानी कि आप विवेकशील हों, आप दयालु हों, आप में धैर्य हो, आप जेनरस हों, आप में कंपैशन हो, मतलब दूसरे के प्रति स्नेह हो, तो ये सब इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज या गुण होते हैं। ठीक है, ये चूंकि इतना लेंथी नहीं था इसलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस मैंने साथ में ही कवर कर लिया है। ये कह रहे हैं कि आपकी जो शिक्षा हो वो कॉस्मोपॉलिटन हो। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कि बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज फ्री फ्रॉम कम्युनल नैरोनेस, देर वॉज नो फेवरेटिज्म बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और इन द सेंटर्स, मतलब कि जो इसके पहले वैदिक शिक्षा थी वो कहा जाता था कि ब्राह्मणों को दी जाएगी, शूद्रों को नहीं दी जाएगी, इस तरीके के विचारवाद और भेदभाव से बुद्धिस्ट एजुकेशन फ्री है, उसने कहा सबके लिए शिक्षा। फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात है कि आपका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी भी तरीके के कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं की गई है बुद्ध में, मतलब कोई आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, धनात्मकवाद की बात करते हैं, इथिकल है ये थेरी, इसलिए इथिकल गुणों के विकास में मदद करना चाहिए बच्चे को। डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट, जो स्टूडेंट है उसके अंदर सही कंडक्ट का डेवलपमेंट हो। एंटायर टेक्निक्स ऑफ बुद्धिज्म प्रोवाइड डायरेक्शंस टू डेवलप गुड कंडक्ट, पूरा बौद्ध दर्शन ही इस पर आधारित है कि कैसे हम गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार बच्चों में डेवलप कर सकें। मॉरल डिसिप्लिन की बात करता है, मैनुअल स्किल्स पर इम्फेसिस है।
और प्रैग्मेटिक है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। आप देखिए, आपको पूरे मतलब थ्रू आउट द ग्लोब बौद्ध दर्शन को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। वैल्यू एजुकेशन की बात है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात है, एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सभी के लिए शिक्षा है, एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें शिक्षा देने की भी बात की गई है। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस। So in this way, I have covered Buddhism and its educational implications too. So in this way, I have covered two heterodox philosophy, Jainism as well as Buddhism. Okay? So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.